नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के साहिबगंज में पूर्व सिपाही पर गोलीकांड मामले में 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिरवाबाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के सीटीएस क्रशर के निकट मनीष होटल के पास पहले से घात लगाए बैठे अपराधी किस्म के लोगों ने पूर्व सिपाही पवन यादव पर गोलियों की बौछार कर दी। इस मामले को लेकर घायल पवन यादव के फर्ज बयान के आधार पर 8 से 10 नामजद अभियुक्त के खिलाफ ओपी पुलिस ने मामला दर्ज किया था। वही घटना के करीब 1 महीने के बाद ओपी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए इस गोलीकांड मामले में शामिल 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के तालबन्ना रोड से मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्तों की पहचान सोनू यादव पिता भिखारी यादव संजय यादव एवं अभय यादव दोनों पिता स्वर्गीय सुदर्शन यादव को भीड जांच हेतु सदर अस्पताल साहिबगंज ले जाया गया, जहां जांच के उपरांत उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उक्त बात की जानकारी ओपी थाना प्रभारी सुनील कुमार ने दी। साहिबगंज से ब्यूरो चीफ उज्ज्वल सिंह की रिपोर्ट।